हेलो है दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल सीरीज जो हमारी चल रही थी क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर जो हमारे पास आज क्वेश्चन है पार्ट 3 में, वो है पेज नंबर 186 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अल्टीमेटली। तो क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस मेरे को दी गई हैं और बोला गया है कि इन पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर आप कौन से मिरर का इस्तेमाल कर रहे होगे। मिरर के टाइप आपके पास में देखो वही होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इन मिरर में से आप कौन सा मिरर इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में इस्तेमाल कर रहे होगे वो मेरे को पता लगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि हेडलाइट्स ऑफ द कार, कार की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर मैं कौन से टाइप का मिरर का इस्तेमाल करता हूँ। कार के हेडलाइट बनाने के पीछे मेरा मोटिव बहुत सिंपल सा होता है कि भाई मैं लाइट चालू करूं, मतलब हेडलाइट को चालू करूं और जो लाइट निकलने वाली है, जो रोशनी निकलने वाली है वो बहुत दूर तक आए। ठीक है, बहुत दूर तक जाए। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई देखो, सन से जब लाइट मेरे पास आती है तो बहुत दूरी से आती है, मतलब वो कैसे होती है, पैरेलल होती है। कहने का मतलब इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कैसे होती है, पैरेलल, और इन्फिनिटी तक जाने वाली लाइट भी कैसे होती है, पैरेलल। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट भी कैसे होती है, पैरेलल। इन्फिनिटी तक जाने वाली लाइट भी कैसे होती है, पैरेलल। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया। क्या किया भाई, एक कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया और इस कॉनकेव मिरर के फोकस पर मैंने एक बल्ब रख दिया। ठीक है, अब इस बल्ब से आने वाली लाइट, यानी फोकस से आने वाली लाइट जब किसी कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरती है तो वो कैसी हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। और आपको पता है पैरेलल लाइट कहाँ जाती है, इन्फिनिटी जाती है। तो पैरेलल लाइट जाएगी कहाँ पर, इन्फिनिटी तक जाएगी। पैरेलल लाइट आती कहाँ से, इन्फिनिटी से। पैरेलल लाइट जाती कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो जैसे ही मैं हेडलाइट को चालू करूँगा, बल्ब से लाइट निकलेगी, कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरेगी और टकरा करके पैरेलल हो जाएगी ताकि वो इन्फिनिटी तक जा सके, यानी बहुत दूर तक अपनी रोशनी को पहुँचा सके। तो इस पर्टिकुलर छोटे से बल्ब की रोशनी को मैं बहुत दूरी तक आराम से पहुँच पाता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को बोल रहा है कि साइड और रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। आपके पास जो व्हीकल होते हैं उनमें जो साइड व्यू मिरर होता है या रियर व्यू मिरर होता है, इसमें हम पीछे का व्यू ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंदर मैं कौन से मिरर का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को पीछे का सबसे ज़्यादा एरिया देखना है। यानी अगर कार के पीछे हमारा एक बड़ा सा ट्रक भी आ रहा है तो वो ट्रक भी मेरे को छोटे से मिरर के अंदर दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर लिया। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़ा ऑब्जेक्ट देखता है लेकिन उसकी जो इमेज बनाता है वो कैसे बनाता है, छोटी सी बनाता है। बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज मेरे को बना करके देखता है, यानी कि आप एक बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज देख पाते हो इसके अंदर। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ विजन जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो कैसा होता है, लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी बड़े से बड़े ट्रैफिक को छोटे से जगह में हमको दिखा देता है, इसलिए मैं कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करता हूँ पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए। तो रियर व्यू मिरर के लिए यानी साइड व्यू मिरर के लिए मैं कौन सा कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि सोलर फर्नेस के अंदर मैं कौन सा मिरर का इस्तेमाल करता हूँ। सोलर फर्नेस के अंदर कंसेप्ट क्या होता है, सोलर फर्नेस के अंदर जो सन की लाइट आ रही है या बहुत दूर से कोई हम लाइट को, फोकस लाइट को भेजते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखे ऑब्जेक्ट को गर्म कर दे, उसको पिघला दे, ठीक है, उसको जला दे। इस तरीके का कंसेप्ट हमें यूज़ करना होता है। तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मिरर लिया। ये कौन सा मिरर है बेटे, ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर पर मान लेते हैं कि कोई लाइट जो सन से आ रही है, यानी कि पैरेलल लाइट आ रही है। तो पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठी होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के इकट्ठी होती है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर इकट्ठी होती है उसे बोलते हैं फोकस। और फोकस पर अगर मैं कोई पर्टिकुलर कंटेनर रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, कोई पर्टिकुलर कंटेनर रख देता हूँ, इसके अंदर कोई मटेरियल जिसको मेरे को गर्म करना है, जिसको मेरे को पिघलाना है, जिसको मेरे को जलाना है, वो पुट कर दूंगा इस कंटेनर के अंदर। तो धीरे धीरे ये गर्म होकर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, या अल्टीमेटली हम बात कर सकते हैं जल जाएगा। तो इन दिस वे मैं सन की लाइट को एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करके चीज़ों को जलाने का, गर्म करने का, पिघलाने का काम भी कर सकता हूँ। इसलिए सोलर फर्नेस के अंदर, किसके अंदर, सोलर फर्नेस के अंदर भी मैं किसका
कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता हूँ, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता हूँ। तंदेश भाई मैंने आपको आंसर बता दिया कि पहला हेडलाइट के अंदर मैं कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करूंगा, साइड व्यू मिरर के अंदर मैं कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करूंगा, सोलर फर्नेस के अंदर मैं कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल अगेन करूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो अगेन पेज नंबर 186 का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के सामने और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपको दी 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इस तरीके काफी क्वेश्चन हम इस सीरीज के अंदर कर चुके हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये होने वाला है। आप देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला था किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ओके। यू हमेशा ही नेगेटिव लेना है। फिर आपको टाइप ऑफ मिरर दिया है कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो गिवन में आपको मिरर का टाइप भी लिखना मैंडेटरी रहेगा क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील करके देता है। उसके बाद फोकल लेंथ दी हुई है कॉन्वेक्स की कितनी, 15 सेंटीमीटर। और ये चीज़ आप जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, कॉनकेव होता तो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी होती। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो हमारा बैकअप नॉलेज करके वीडियो है कि मैं उसमें मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है तब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन होता है लेस देन होता है वन तब क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होता है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से चेंज होती है, ये सारा का सारा हमने डिस्कशन करके रखा हुआ बैकअप नॉलेज वीडियो के अंदर, ठीक है। तो एक बार उसको चेकआउट जरूर करिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो आगे बात करते हैं कि यू की वैल्यू माइनस 10 होगी, एफ की वैल्यू 15 होगी। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे को निकालना क्या है, तो टू फाइंड पता क्या करना है, यहाँ पर निकालना है पोजिशन ऑफ द इमेज एंड नेचर। नेचर क्या है, नेचर से मेरा मतलब होता है कि भाई वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है, ये पता लगाना है, ठीक है। तो नेचर के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको अल्टीमेटली निकालना क्या होगा, मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। फॉर फाइंडिंग नेचर हमें क्या पता करना होता है, मैग्नीफिकेशन पता करना होता है। चलिए अभी हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या है, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ मैं आपसे बात करता हूँ कि यू दिया है, एफ दिया है, वी निकालना है, तीनों के अंदर रिलेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं, क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/15 = 1/v + 1/-10, ये मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया है ना। 1/15 = 1/v - + -1/10। नाउ ये माइनस का 1/10 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 + 1/10 = 1/v। इस तरीके से मेरे को कुछ वैल्यू मिल गई। नाउ 15 और 10 यानी 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 30। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 10 का 30। नाउ 15 2 30 और 10 3 30। तो इन दिस वे मेरे को क्या मिल जाएगा, 1/v = 2+3/30। नाउ 2+3 कितना होता है, 5। तो ये हो जाएगा 5/30 = 1/v। नाउ फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देंगे भाई, इसको फ्लिप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, v = 30/5। तो 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा v निकल के आ गया, यानी पोजीशन ऑफ इमेज आ गई है। तो पोजीशन ऑफ इमेज मेरे को निकालना था, तो पहला क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मेरे से बोला गया कि नेचर क्या होगा, तो मैं मैग्नीफिकेशन निकालूंगा। तो नाउ मैग्नीफिकेशन m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v/u। तो माइनस v की वैल्यू कितनी है, 6, और u कितना, माइनस का 10। नाउ माइनस माइनस गेट कैंसिल, माइनस माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0.6। अब जो m है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सिंस m इज पॉजिटिव, देयरफॉर अब m अगर पॉजिटिव होता है तो इमेज का नेचर कैसा होता है, ये होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देयरफॉर इमेज will be virtual and erect. इमेज कैसी होगी, virtual and erect होने वाली है। तो इन दिस वे ये क्वेश्चन मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को इमेज की पोजिशन मिल गई है, इमेज का नेचर मिल गया है कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है,
और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है भाई कि एक प्लेन मिरर है आपके पास में जिसका मैग्निफिकेशन प्लस वन है, तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। तो ये पर्टिकुलर चीज जिसमें बोला गया है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन वन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बोला गया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन है। क्या है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहली चीज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस एम इज पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है तो इससे बनने वाली इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये हो गया पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन के भाई m का जो वैल्यू है, m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है, है ना। मैं बोलूंगा सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है? जो v अपॉन u है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एच आई अपॉन एच ओ है, वो कितना होगा? 1 के बराबर होगा। एच आई अपॉन एच ओ कितना होगा? 1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होता है कि एच ओ को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? एच आई और एच ओ दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि m की वैल्यू प्लस 1 है, यानी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होने वाला है? इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ m इज 1, देयरफॉर दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होने वाली है? बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस वन है प्लेन मिरर के लिए। तो ये मेरे को बताएगा पहली चीज़ कि इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और दूसरा बनाएगा कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर।